हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नीलम मेहरा और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है आपका फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन। साहू की सक्सेस के बाद प्रभास के हाथ लगी एक और बड़ी फिल्म। सुरेंद्र रेड्डी की अगली फिल्म में नजर आएंगे प्रभास। फिल्म निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी की फिल्म सायरन नरसिम्हा रेड्डी को दर्शकों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया गया है। यह फिल्म दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसकी अगर हम किरदारों की बात करें तो उनकी जो एक्टिंग थी वो दर्शकों ने बेहद पसंद की है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा कमाई भी की थी। यह फिल्म काफी ज्यादा सुपरहिट रही। अब सामने आ रही खबरों की माने तो सुरेंद्र रेड्डी अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ बाहुबली प्रभास नजर आ सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि साउथ के सुपरस्टार यानी कि प्रभास हाल ही में साहू में दिखाई दिए थे और ये फिल्म बहुत ही ज्यादा सुपर रही है। इस फिल्म को दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया है। इनकी एक्टिंग जिस तरीके से उस फिल्म में दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा दर्शकों ने पसंद की है और श्रद्धा कपूर भी थी इस फिल्म में और दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया है और बहुत ज्यादा प्यार भी दिया है। इस फिल्म में दर्शकों ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की भी काफी ज्यादा तारीफ की थी, जबकि मेकर्स ने देश भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। साथ ही इस फिल्म को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया गया था। सभी को प्रभास की ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने धांसू की कमाई की थी, लेकिन साहू फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद प्रभास के चाहने वाले इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं कि साउथ का ये सुपरस्टार अब दर्शकों के सामने क्या लेकर आएगा। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी अब अपने अगले नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म में बाहुबली एक्टर यानी कि प्रभास को साइन कर सकते हैं और सुरेंद्र रेड्डी फिल्म सायरन नरसिम्हा रेड्डी की सफलता के बाद अपनी अगली फिल्म की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे हैं। उनके इस फिल्म में एक्टर प्रभास नजर आने की बात सामने आई है। वैसे आपको बता दें कि प्रभास खुद भी निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी के साथ काम करने को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। उनकी हमेशा से विश रही है कि मैं इनके साथ काम करूं। निर्देशक सुरेंद्र रेड्डी पिछले कुछ दिनों से एक स्क्रिप्ट पर काम भी कर रहे हैं। सब कुछ अगर ठीक रहा तो सुरेंद्र रेड्डी एक्टर प्रभास के साथ मिलकर आगे का काम करने की योजना बना रही हैं। तो वहीं प्रभास अपनी अगली फिल्म जान की शूटिंग के लिए यूरोप में है। दर्शकों को इस फिल्म का काफी समय से इंतजार है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि राधा कृष्ण द्वारा निर्मित ये फिल्म जगरला मुदी यूरोप में स्थापित एक रोमांटिक फिल्म है। इस फिल्म में उनके साथ पूजा रोमांस करती हुई नजर आने वाली है। इसके साथ ही ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हालांकि फैंस भी दोनों ही जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रभास को श्रद्धा कपूर के साथ फिल्म साहू में देखा गया था। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारी न्यूज को todays.com पर भी देख सकते हैं और YouTube पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज।